Hi all the students, welcome once again. My name is Anil Chaudhary and 2 days back there was a news that IIM Bangalore is going to launch a 3 years BBA course completely online starting this September 2024. Do 3 saalon se hum log lagatar sun rahe the ki possibly Bangalore is going to launch something, some undergraduate course for the 12th passing out students. And finally this year, IIM Bangalore is launching it. ये डिग्री स्टूडेंट्स 3 साल की रहेगी, बीबीएस को अपन कहेंगे, बट दिस इज नॉट गोइंग टू बी अ जनरल बीबीए कोर्स. दिस बिकम्स अ वेरी स्पेसिफिक प्रोग्राम एंड दिस विल बी नोन एज बीबीए डीबीई व्हिच मींस डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. सो दिस पर्टिकुलर कोर्स इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक ऑप्शन, अ स्किल एनहांसमेंट प्रोग्राम फॉर द स्टूडेंट्स हू एस्पायर टू बिकम एन एंटरप्रेन्योर इन द फील्ड ऑफ डिजिटल बिजनेस. तो अगर आप चाहते हो कि फ्यूचर में मैं कोई स्टार्टअप स्टार्ट करूं, मैं डिजिटल बिजनेस में कुछ नया करूं, तो पर्सनली स्टूडेंट्स माय एडवाइस विल बी ये 3 साल का कोर्स हमें मिस नहीं करना चाहिए. आई डू अंडरस्टैंड अभी ये पूरी तरह से ऑनलाइन है एंड पॉसिबली स्टूडेंट्स नेक्स्ट ईयर या कभी भी हो सकता है इसका कोई ऑफलाइन वर्जन भी लॉन्च हो जाए, पता नहीं वे. अभी तो फिलहाल हम लोग बात करते हैं 2024 के एडमिशन्स की एंड इस पूरे प्रोग्राम के बारे में. आई एम गोइंग टू डिस्कस अ लॉट इन दिस पर्टिकुलर वीडियो. मैं आपको इसके प्रोज एंड कॉन्स भी बताऊंगा. एट द सेम टाइम वी विल लेट यू नो वेदर इट इज वर्थ इट टू अप्लाई और नॉट. एनी वे स्टूडेंट्स, IIM बैंगलोर का प्रोग्राम है तो वर्थ इट तो होना ही होना है. अब कितनी फीस होगी, एडमिशन का प्रोसेस क्या होगा, इनटेक कितना होगा, प्लेसमेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ये सारी बातें हम लोग इस छोटे से वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके, तो चलिए स्टूडेंट्स, द वेट इज ओवर. फाइनली IIM बैंगलोर ने ये पूरा कोर्स लॉन्च कर दिया है. इस पूरे PDF को स्टूडेंट्स आई हैव गॉन थ्रू. मैं एक एक पेज तो यहाँ पर नहीं पढ़ूंगा, लेकिन मैं इसकी जो नटशेल की जो बड़ी बातें हैं वो मैं आपको समझा देता हूँ. डू अंडरस्टैंड, ये पूरा कोर्स होगा ऑनलाइन वेयर मेजरली यू पीपल विल गेट रिकॉर्डेड वीडियोज, बट एट द सेम टाइम प्रोजेक्ट्स विल बी देयर, इंटर्नशिप्स विल बी देयर एंड मोर ओवर इसके जो एग्जाम्स होंगे वो फिजिकल सेंटर्स पर होंगे, जहाँ पर आपको जाकर ठीक है यू विल हैव टू फेस द एग्जाम्स. तो डू अंडरस्टैंड, आप अगर इसको बाकी सब डिस्टेंस लर्निंग कोर्सेज की तरह देख रहे हो कि सर केवल डिग्री मिल जाएगी बहुत इजीली बिना कुछ किए, तो डेफिनेटली आई एम बैंगलोर इज नॉट गोइंग टू डू दिस. तो इसीलिए स्टूडेंट्स आपको पढ़ना पड़ेगा, अपने स्किल्स को एनहांस करना पड़ेगा एंड दैट इज व्हाट द बेसिक पर्पज ऑफ दिस पर्टिकुलर कोर्सेज. सो 3 साल का पूरा कोर्स है एंड स्टूडेंट्स एज पर द न्यू एजुकेशन पॉलिसी वी नो दैट अगर मैं 3 साल का पूरा कोर्स करता हूँ तो मुझे डिग्री मिल जाएगी BBA की. अगर मैं 1 ईयर के बाद ड्रॉप कर देता हूँ स्टिल आई विल गेट अ सर्टिफिकेट, और 2 साल के बाद अगर मैं ड्रॉप करता हूँ स्टिल आई विल गेट अ डिप्लोमा. और ये जो पूरा कोर्स है टोटल स्टूडेंट्स 45 क्रेडिट्स पर ईयर एंड 3 ट्राइमेस्टर्स, कुल मिलाकर 3 टर्म्स होंगे किसी भी 1 साल में. तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देखो, आई जस्ट शो यू ईयर 1 में क्या होगा, ईयर 2 में क्या होगा, ईयर 3 में क्या होगा, दैट इज गिवन टू अस. ये तो इसका ओवरऑल द पर्पज ऑफ द प्रोग्राम. तो अल्टीमेटली स्टूडेंट्स अगर मैं 3rd ईयर की बात करूँ, अपॉन सक्सेसफुल कम्प्लीशन ऑफ ईयर 3 लर्नर विल बी एलिजिबल टू रिसीव डिग्री इन डिजिटल बिजनेस एंड एंटरप्रेन्योरशिप. दे विल बी एबल टू डेवलप एंड इम्प्लीमेंट कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजीज फॉर डिजिटल बिजनेसेस, यूटिलाइज एडवांस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजीज टू ड्राइव बिजनेस इनोवेशन एंड ग्रोथ एंड लीड डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन इनिशिएटिव्स इन अ वैरायटी ऑफ बिजनेस एनवायरमेंट्स. तो स्टूडेंट्स एक बहुत ही अच्छा सा प्रोग्राम होगा, तो यू पीपल शुड डेफिनेटली कंसिडर ज्वाइनिंग दिस. एटलीस्ट अप्लाई तो अपन कर ही देते हैं, एप्लीकेशन कैसे करना है दैट इज समथिंग व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस नाउ. अब सबसे पहले जिन बच्चों ने इस साल 12th अपना कंप्लीट किया है, दे बिकम द एलिजिबल स्टूडेंट्स टू अप्लाई फॉर दिस प्रोग्राम. पर एट द सेम टाइम जिनका 12th ऑलरेडी लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, लास्ट टू लास्ट ईयर कंप्लीट हुआ, कोई भी बच्चा इसमें अप्लाई कर सकता है, देर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल. सो 10th एंड इक्विवेलेंट, तो 10th में स्टूडेंट्स केवल पास होना जरूरी है, बट 12th में 60% मार्क्स लेकर आना इस कंपल्सरी एंड फॉर SC ST कैटेगरी इट बिकम्स 55% मार्क्स. ओके, तो जिन बच्चों के 60 से कम है सॉरी दे विल नॉट बी अप्लाई टू दिस पर्टिकुलर कोर्स. जो फॉर्म फीस है स्टूडेंट्स दैट बिकम्स 3,000 रुपीज फॉर जनरल एंड द OBC कैंडिडेट्स एंड बाकी सभी कैंडिडेट्स के लिए दिस बिकम्स 1,500 रुपीज. एंड स्टूडेंट्स द डेट्स विल बी, एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट होगा 15 जून से एंड लगभग ये चलेगा 15 जुलाई तक. और एक एडमिशन टेस्ट होगा, एडमिशन टेस्ट में कितने क्वेश्चंस होंगे, क्या कंटेंट होगा उसके बारे में नथिंग इज गिवन इन दिस नोटिफिकेशन, बट वी पीपल कैन इजीली अज्यूम दैट किसी भी BBA या MBA कॉलेज के एडमिशन टेस्ट में जनरली सिलेबस क्या होता है, यू हैव क्वेश्चंस बेस्ड ऑन मैथ्स,
possibly questions based on data interpretation and possibly questions based on language also. So anyway, जो reports निकल कर आ रही है उसके according 60 marks का पूरा paper हो सकता है जो 90 minutes में हमें complete करना होगा. But still, we will have to wait for the pattern. Ultimately, इसमें क्या pattern रहेगा? We need to wait and watch. चलिए students, ये application की details हैं. An application form कुछ ही दिनों में start हो जाएगा 15th June से. And moreover students, application करते समय what things you people need, एक आधार या फिर कोई भी आइडेंटिटी कार्ड, एट द सेम टाइम 10th की मार्कशीट और 12th की मार्कशीट. एंड इफ यू पीपल बिलोंग टू सम कैटेगरी तो उसका सर्टिफिकेट भी स्टूडेंट्स यू पीपल विल नीड एट द टाइम ऑफ एप्लीकेशन इटसेल्फ. जो सिलेक्शन प्रोसेस है, जनरली स्टूडेंट्स आईआईएम्स के जितनी भी एडमिशन्स होते हैं उनमें पहले एक एडमिशन टेस्ट होता है एंड उसके बाद एक इंटरव्यू होता है. बट इसमें देर विल बी नो इंटरव्यू. एंड सबसे बड़ी बात, लगभग 1000 नॉट लगभग एग्जैक्टली 1000 सीट्स इसमें रहेगी एंड पॉसिबली उसमें रिजर्वेशन तो रहेगा ही रहेगा. सो 1000 इनटेक के लिए हमें इस एडमिशन टेस्ट को फेस करना है. एंड स्टूडेंट्स इंटरव्यू विल नॉट बी देयर, आर एडमिशन विल बी प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ दिस टेस्ट. अगर आपने इस टेस्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म किया तो 1000 स्टूडेंट्स में आप अपनी जगह बना सकते हो. एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, इस पूरे कोर्स के लिए जो फीस स्ट्रक्चर होगा, आई जस्ट कम टू दैट, बट उसके पहले 45 क्रेडिट्स एंड स्टूडेंट जो पैसा हमें पे करना है 41,660 रुपीज पर टर्म. तो एक साल में 3 टर्म, तो कुल मिलाकर ट्राइमेस्टर सिस्टम पर ये चलेगा. एंड सबसे बड़ी बात, वंस यू ज्वाइन दिस प्रोग्राम इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट कि आप 3 साल में इस बीबीए को पूरा कर लें. अगर बीच में किसी टर्म में स्टूडेंट्स ब्रेक आ जाए, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप 1000 रुपी पे करके इस डिग्री को कंटिन्यू रख सकते हैं. एंड इन अ पीरियड ऑफ इन टोटल 6 ईयर्स, आई रिपीट, इन अ पीरियड ऑफ इन टोटल 6 ईयर्स यू पीपल कैन कम्प्लीट दिस डिग्री. तो मैक्सिमम जो टाइम लिमिट है वो 6 ईयर्स है. और ये जो डिग्री है ये स्टैंड अलोन अपने आप में सफिशियंट डिग्री होगा. इसके अलावा अगर आप कोई ग्रेजुएशन का कोर्स नहीं भी करोगे तो भी चलेगा. बट स्टिल स्टूडेंट्स, आप साथ में कोई ग्रेजुएशन का कोर्स परसू कर रहे हैं, उसके साथ आप ये करना चाहते हो, यस इवन दैट इज पॉसिबल. ओके, सो दिस कैन बी अ स्टैंड अलोन डिग्री, एट द सेम टाइम यू कैन कंटिन्यू विद सम अदर डिग्री एज वेल. ओके, सो 125, देन 150 सेकेंड ईयर में, एंड देन यू हैव स्टूडेंट्स 175. तो कुल मिलाकर ये 4,50,000 की टोटल फीस का कोर्स है. 4,50,000 रुपीज यू विल हैव टू पे फॉर द कंप्लीट 135 क्रेडिट्स. ओके, एंड मोर ओवर स्टूडेंट्स, 1000 रुपीज जैसे मैं कह रहा था इसको पे करके आप कंटिन्यू रख सकते हैं, इनकेस अगर आप कोई बीच में ब्रेक लेना चाहते हैं. एंड दिस बिकम स्टूडेंट्स डेट शीट, लेकिन बहुत ज़्यादा कुछ भी अनाउंस्ड है नहीं, सबके आगे लिखा है अनाउंसिंग शॉर्टली. तो फिलहाल 15th June से 15th July तक यस द एप्लीकेशन विंडो विल रिमेन ओपन. ओके, एंड इसके बेसिस पर जो जो भी सेलेक्ट होगा फाइनली उसे नोटिफाई कर दिया जाएगा. तो क्या सर हमें अप्लाई करना चाहिए या नहीं? 3000 रुपये का फॉर्म है. आई वुड रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स, यस हमें अप्लाई करना चाहिए. एटलीस्ट वी कम टू नो दैट वेयर डू वी स्टैंड. एंड थोड़ा भी स्टूडेंट्स अगर इंटरेस्ट है इन द फील्ड ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप एंड दैट टू स्पेशली इन द फील्ड ऑफ डिजिटल बिजनेस, तो दिस इज गोइंग टू बी अ फैंटास्टिक स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम. आप इसको स्टूडेंट स्टैंड अलोन बीबीए नहीं भी लेकर चलो तो कम से कम स्किल डेवलपमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से दिस प्रोग्राम इज गोइंग टू बी अ लैंडमार्क वन. आई रिकमेंड ऑल द स्टूडेंट्स कि आपको अप्लाई करना ही चाहिए. एंड वेरी शॉर्टली स्टूडेंट्स वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ डेडिकेटेड बैच फॉर दिस. तो फॉर मोर डिटेल्स, जो भी डिस्क्रिप्शन में नंबर दे रखा है, यू पीपल कैन एक्चुअली गेट इन टच विद अस. एंड मोर ओवर, आपके कोई भी क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स में पोस्ट कर दो, विल बी मोर देन हैप्पी टू गिव द आंसर्स टू ऑल योर क्वेरीज. ओके, सो फाइनली स्टूडेंट्स, आईआईएम बैंगलोर का ये बहुत ही क्रांतिकारी कोर्स जो स्टार्ट होने जा रहा है September 15th, 2024 से. ओके, सो हियर आर ऑल द डिटेल्स. ये पूरा PDF मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, यू पीपल कैन गो थ्रू एंड पढ़ने की हैबिट डालो. एक एक लाइन, एक एक वर्ड पढ़ने की हैबिट डालो. ओके, चलिए, थैंक यू वेरी मच, सी यू वेरी सून, बाय बाय.